दोस्तों, इस दुनिया में निस्वार्थ प्यार माँ बाप ही कर सकते हैं। इंसान के हो या जानवरों के, माँ बाप दोनों ही अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी पेरेंट होते हैं जो अपने ही बच्चे को मार डालते हैं और उन्हें खा जाते हैं। गाइज, इस वीडियो में हम ऐसे जानवरों को देखेंगे जो अपने ही बच्चे को मार कर खा गए। आपको लग रहा होगा कि ये किस प्रकार के माता पिता हैं जो अपने ही बच्चे को मार देते हैं। अगर आप जंगल के कानून जानते हो तो ये इंसानी कानून से अलग होते हैं। कई बार ये पेरेंट्स कुछ मजबूरी के कारण अपने बच्चे को मार कर खा जाते हैं। हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस बहुत ज़्यादा गुस्सेल प्रवृत्ति के जानवर होते हैं। अगर किसी नदी या तालाब के किनारे कोई जीव दिख जाए तो उनकी खैर नहीं। ये जानवर पानी में ही ज़्यादातर रहते हैं। हिप्पो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। आज हम आपको हिप्पो की बड़ी भयानक बात बताएंगे। कई बार हिप्पो अपने ही बच्चे को मार डालते हैं। ये जानवर ऐसा क्यों करते हैं इसका कोई सही कारण नहीं जानता, लेकिन कई लोग का मानना है कि ये लोग अपने बच्चे को तब मार देते हैं जब उनके ग्रुप में ज़्यादा सदस्य हो जाते हैं। खाने पीने की कमी के कारण ये लोग अपने ही बच्चे को मार डालते हैं। स्टॉर्क बॉयफ्रेंड। ये ऐसी पक्षी होती हैं जिनका आकार बहुत बड़ा होता है। ये पक्षी लिथुआनिया और बेलारूस का राष्ट्रीय पक्षी है। स्टॉर्क बर्ड सर्दियों में अफ्रीका उड़कर आ जाते हैं। इस पक्षी की एक विचित्र बात बता दें, जब इनके बच्चे अंडे से बाहर आते हैं और थोड़े बड़े हो जाते हैं तब ये पक्षी अपने बच्चे को चोंच में उठाकर ऊंचाई से नीचे गिरा देती हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद इनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये पक्षी जानकर ऐसा नहीं करते, इनकी मजबूरी होती है। खाने पीने की कमी के कारण ऐसा करते हैं ताकि कम बच्चों का पेट भर सकें। पर्च फिश। एक ऐसी मछली जो ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में पाई जाती है। आपको बता दें कि ये पानी में रहने वाली सबसे बुरे माता पिता हैं। फीमेल पर्च फिश पानी में उगने वाले पौधे पर अपना अंडा देती हैं। इस अंडे की रक्षा करने के लिए मेल पर्च फिश को जिम्मेदारी दे देती हैं। मेल पर्च फिश को जब भी भूख लगता है तो ये अपने ही अंडे को खाने लगता है। ये हमेशा होता है। इस अंडे में से निकलने वाले बच्चे कुछ बच जाते हैं। ये मछली आमतौर पर तालाब, झील और नदी में देखने को मिल जाएगी। पांडा। दोस्तों, इस कट से दिखने वाले पांडा को अच्छी तरह से जानते होंगे। इस दुनिया में कहीं भी पांडा दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये चाइना की प्रॉपर्टी है। चाइना वाले पांडा पर अपना पेटेंट करा रखे हैं। इस दुनिया में जितने भी पांडा हैं उनमें एक खूबी देखने को मिल जाएगी, जो आप आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं। एक वयस्क पांडा 12 से 38 किलो बांस अकेले ही खा जाते हैं। फ्रेंड, सब लोग जानते हैं कि पांडा बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन पांडा भी बेहद हैवान होते हैं। जब कभी भी पांडा के दो बच्चे पैदा होते हैं तो इनमें से एक बच्चे को पालते हैं और दूसरे बच्चे को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं इसका कारण कोई नहीं जानता।